ये रहा लाल किला भाई। तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं भाई लाल किला भाई, बहुत फेमस जगह ये भाई लाल किला के सामने वाली मंदिर। और भाई यहाँ कुछ व्यू दिख रहा है आप लोग को, सब कोई अपने काम में बिजी है। और यहाँ भाई चल रहे हैं भाई पकौड़े, बहुत टेस्टी लाजवाब। और ये भैया बजा रहे हैं भोपू। और भाई जिसकी भी शादी ना हुई है वो चांदनी चौक से आके सस्ते में शेरवानी ले जा सकता है भाई, एक से एक क्वालिटी मिलती है बहुत सस्ते रेटों में। और ये भाई पराठे जो भैया तल रहे हैं, अभी खाने को मिलेंगे, अंकल जी वेट कर रहे हैं। और ये भाई तल रहा है टेस्टी लाजवाब। और ये भाई मेट्रो स्टेशन लाल किले का। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले के लाहौर गेट के बिल्कुल सामने है चांदनी चौक। और यह बाजार जितना फेमस है सबसे सस्ते सामानों के लिए, तो उससे ज़्यादा अपने कीमती सामानों के लिए जाना जाता है। चांदनी चौक बाजार लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और यह चांदनी चौक से लेकर नई सड़क तक फैला हुआ है। पहले यह बाज़ार काफ़ी अनऑर्गेनाइज था और भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, लेकिन पिछले साल 2021 में 12 सितंबर को इसे रीडेवलप करके दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। रीडेवलप्ड 2 किलोमीटर की इस मार्केट को गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड एवं सिस्टमेटिक हो गया है। तो भाई आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पे बैग, लेडीज़ टॉयस भाई सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है भाई। सबसे सस्ता भाई, सबसे लोएस्ट प्राइस भाई, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ चांदनी चौक में मिलेगा भाई। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, जो आप एक बार आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। तो भाई देख रहे हैं भाई, सब कोई अपने काम के काम में बिजी है, और कोई मार्केटिंग कर रहा है और कोई भाई मतलब बार्गेनिंग कर रहा है भाई। दिल्ली में भाई सबसे सस्ता एरिया है चांदनी चौक। यहाँ एक छोटे सा छोटा चीज़ें मिल जाता है, ऑफर लेडीज़ ऑफ़र। तो भाई आपको दिखाते हैं भाई लहंगा हाउस। ये देखिए भाई क्या लहंगा लग रहा है भाई, रेड कलर की भाई। लहंगा हाउस में भाई आपको लोएस्ट प्राइस में भाई A1 लहंगा मिल जाता है, बहुत कम सस्ते में। तो भाई एक बार आएँ और घूम के जाएँ। ये देखिए भाई क्या डिजाइनिंग है यार भाई। चांदनी चौक वैसे सबसे ज़्यादा फेमस है भाई लेडीज़ कॉस्ट्यूम के लिए या प्रॉप्स के लिए। यहाँ चूड़ी से लेके कान की बाली, नाक की क्या कहते हैं वो, जो भी। और भाई सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे लहंगा, सूट्स, कुर्ता, ऑल इन वन भाई लेडीज़। भाई जेंट्स के लिए उतना कुछ नहीं, लेकिन लेडीज़ के लिए भाई सबसे ज़्यादा फेमस है चांदनी चौक। तो ये भाई आपको दिख रहा है भाई लहंगा ब्लू और रेड्स। भाई अगर मेरी शादी होगी ना भाई, मैं ये लेके जाऊँगा रेड वाला, पक्का पक्का भाई। देख सकते हैं भाई कितना बेस्ट क्वालिटी है। और भाई ये रहा पकौड़ा आलू का, क्या टेस्टी है। अंकल से पूछते हैं कितने का। अंकल कितने का है? बेड़ा 10 रुपये का, 10 रुपये के एक। नहीं खाना अंकल, नहीं खाना हमको, आप ही खाओ। और ये भाई ठीक है भाई, गली का एक व्यू है जहाँ भाई चूड़ी की सेल दिख रही है, गले का हार और भाई कुछ है। देख रहे हैं भाई चूड़ी मार्केट है। और भाई आपको दिखाते हैं कुछ, आगे देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए भाई। और ये भाई ज्वेलरी का दुकान है। तो भाई लोग अभी आ गए हैं भाई हम लोग डीप कलेक्शन में, जो चांदनी चौक में दुकान है ये। तो भाई सोचा वीडियो बना लेते हैं, और मेरे काम की कोई चीज़ हो तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे भाई कुर्ता, लेडीज़ पैंट, लेडीज़ बैग, शादी के कोट, शादी का पैंट भाई यही सब दिखाई दे रहा है। ये भाई कपल्स के लिए भाई A1 है भाई दुकान। या भाई किसी की शादी हो रही हो या शादी होने वाली है तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं भाई भाई बहुत सस्ते रेट में। भाई ये जो आपको बैग दिख रहा है भाई, ये वाला रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, मात्र भाई 250-300 के भाई आप ये लेके जा सकते हैं। भाई किसी को गिफ्ट भी देना है तो भाई सबसे सस्ता, सबसे लोएस्ट प्राइस का है तो आप लेके जा सकते हैं। ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। ये बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच एक गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा और फेमस गुरुद्वारा है ये, और बहुत ही भव्य दिखता है। और एक लगभग 1 किलोमीटर आगे चलना होगा, फिर हम लगभग नई सड़क के पास पहुंच जाएंगे। ये एक और लैटरल मार्केट आ गया, गली घंटे वाली।
तो यहाँ पे देखेंगे अगर अंदर इनसाइड जाके, तो अंदर एक अपने आप में एक मार्केट की अपनी दुनिया है बड़ी सी। आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए पराठे वाली गली, और यहाँ से हम लोग अब अंदर जाएंगे तो पराठे की कुछ हमें शॉप्स मिल जाएंगी। समय के अनुसार ये जो पराठे के शॉप्स हैं ये डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, और अब मात्र 4-5 शॉप्स ही बची हैं पराठे वाली। पराठे क्या प्राइस है? और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि ये पराठे डीप फ्राइड होते हैं, घी में इनको बिल्कुल डुबो के फ्राई किया जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। और जो पराठे का रेंज है वो 70 रुपीज़ से लेकर लगभग 120 रुपीज़ के बीच में होते हैं, जिसमें आपको आलू पराठे, मटर पराठे, कीमा पराठे, गोभी पराठे, डिफरेंट वेराइटीज़ के पराठे यहाँ मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ से लेके करीब 1 किलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट लगा रहता है, जहाँ पे भाई रंग बिरंगे बल्ब या मतलब घर में जो ये होता है क्या कहते हैं, जो हमारे इधर बोलते हैं भूकियाँ, वो आपको यहाँ मिल जाते हैं एक से एक भाई बेहतरीन। या भाई आप देख सकते हैं घूमर, जो अपने घर में या अपने रूम में लगा सकते हैं भाई, बहुत बेहतरीन और बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखिए भाई, भाई जो लाइटिंग का मार्केट है भाई, इसको होलसेल मार्केट बोलते हैं भाई, बहुत फेमस है लाइट के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। तो भाई अभी हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे हैं, तो भाई ये मेट्रो भी आ गई। तो भाई मेट्रो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो भाई अभी हम लोग जाएंगे रूम पे और फिर भाई वीडियो एडिट करेंगे और डाल देंगे। भाई प्लीज़ एक लाइक कर देना। भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में।